हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 7 साइंस। सो चैप्टर नंबर 7 इज़ अबाउट रेस्पिरेशन इन फ्लोरा एंड फ्यूना। सो फ्लोरा मीन्स जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उन सबको हम कंबाइन में फ्लोरा बोलते हैं, एंड फ्यूना मीन्स जो हमारे एनिमल जो पूरा होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूना। सो लेट्स सी व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। वी विल लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्या होता है, एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में करेंगे हम। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसा होता है, क्या होता है, इसके लिए जो है प्रोसेस क्या होती है पूरी, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट। रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू करती है, लाइफ प्रोसेस। इसलिए रेस्पिरेशन इज़ प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट। और रेस्पिरेशन ही वही प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस जो उसको जो एनर्जी है वो उसके रिक्वायरमेंट्स के लिए जो एनर्जी होती है वो मिलती है रेस्पिरेशन के थ्रू ही। ऑल मशीन नीड एनर्जी टू रन। हमको पता है जितनी भी मशीन्स होती हैं, जितनी भी मशीनरी होती है, सबको एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, रन करने के लिए। ऑल ऑटोमोबाइल्स नीड पेट्रोल और डीजल टू रन। जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ वगैरह हैं, बाइक वगैरह हैं, उन सबको चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल एंड डीजल आर बर्न्ड इन द इंजन यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और पेट्रोल और डीजल है वो जलते हैं और जो इंजन है ऑक्सीजन को यूज़ करता है जो हमारी एयर के अंदर प्रेजेंट होती है उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है। और पेट्रोल और डीजल बर्न होते हैं उससे क्या जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो मशीनरी है या ऑटोमोबाइल है वो वर्क कर पाती है। वी नीड हीट एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। हमको हीटिंग और कुकिंग करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है। हमको कुछ भी खाना बनाना है तो हम जो है गैस स्टोव पे बनाते हैं या फिर कोई और जो है इंडक्शन कुकर पे वगैरह पे बनाते हैं, तो उसके लिए हमको हीटिंग चाहिए होती है कुकिंग करने के लिए, जो कि क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है हीट भी। दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन बाई बर्निंग कोल। और ये जो हीटिंग एनर्जी है जो हमको खाना बनाने के लिए चाहिए होती है, हमको कहाँ से मिलती है, या तो हम कोल को बर्न करके कोयले को जला के हम ले सकते हैं, या फिर LPG को जला के हम जो हीटिंग एनर्जी है वो गेन कर सकते हैं यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर। और इसको भी एनर्जी, इसको भी बर्निंग के लिए क्या होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती ही होती है, बिना ऑक्सीजन कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो पाती है। और बॉडी ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी की भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी भी बहुत सारे काम करती है, सो हमारी बॉडी को भी बहुत सारे जो है काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम द फूड वी टेक। और हम ये जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमारी बॉडी में ही बनती है, जो कि हम खाना खाते हैं उस खाने से हमारी बॉडी में वो एनर्जी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। The food we take has stored chemical energy in it. जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर होती है पहले से ही। हमको पता है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंज होता है, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी आया था। और जैसे हमने जो है प्लांट से, हमको पता है हमारा जो मोस्टली फूड है वो प्लांट से, एनिमल से आता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो ये सब जो है जितने भी फूड आइटम्स हमारे पास होते हैं उनके अंदर केमिकल एनर्जी है वो पहले से स्टोर होती है। दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन फूड इज़ डाइजेस्टेड। और ये एनर्जी है कब निकलती है हमारे फूड से, जब हमारा फूड पच जाता है हमारी बॉडी के अंदर जाके। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेल्स। और जो कंपोनेंट्स होते हैं इस पचे हुए खाने के, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे सेल्स है, हमारी सेल्स में जो प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उससे जाके रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन को हिंदी में बोला जाता है श्वसन। देयरफॉर वी रिस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज़। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या हुआ, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस हो गई जिसके अंदर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए इसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है किसके ज़रिए होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है उसके ज़रिए हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी बनती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिटेल रिव्यू अबाउट रेस्पिरेशन। डिटेल में हम पढ़ने वाले रेस्पिरेशन के बारे में। लेट्स सी व्हाटएवर फूड वी ईट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भी हम खाना खाएंगे सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जाएगा और जाके हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होगा, पचेगा।
डाइजेस्टेड फूड इज़ देन बर्नड इन साइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी। अब उसके बाद जैसे पेट्रोल वगैरह है ऑटोमोबाइल्स में जा रहे हैं, उसके बाद वो पेट्रोल वगैरह जलते हैं, बर्न होते हैं, उसके बाद जो है इंजन को एनर्जी मिलती है, वैसे हमारी बॉडी जो है वो भी एक इंजन की तरह, एक मशीनरी की तरह काम करती है। सबसे पहले जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, बर्न होगा, और उसके बाद उससे क्या बनेगी हमारी बॉडी में, एनर्जी बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी जो, और ये जो बर्न होगा जितना भी डाइजेस्टेड फूड है इसका कंपोनेंट्स कहाँ बर्न होंगे, वो बर्न होंगे सेल में, सेल के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस एज इट हेल्प्स इन बर्निंग। अब हमको पता है बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जली नहीं सकती, चाहे वो पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, कोल की बात हो, या कोई भी चीज़ है वर्ल्ड के अंदर, वो बिना ऑक्सीजन की हेल्प से नहीं जल सकता। सो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो जो है डाइजेस्टेड फूड है वो भी किसकी वजह से जल पाएगा, कि जब उसके पास ऑक्सीजन आएगा तभी वो बर्न हो पाएगा, और बर्न होके ही जो है एनर्जी रिलीज होगी। The process of taking oxygen into the cells, using it to release energy and then elimination of waste products, carbon dioxide and water, is known as respiration. So respiration actually क्या होता है, वो process जिसके अंदर हम oxygen लेते हैं हमारी सेल्स के अंदर, और उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। एनर्जी कैसे रिलीज होगी, उस डाइजेस्टेड फूड को बर्न करके रिलीज़ होगी। सो ऑक्सीजन हम पहले हमारे सेल्स में ले रहे हैं, और सेल्स में जाके जो डाइजेस्टेड फूड है वो बर्न होके हमारी एनर्जी रिलीज़ करेगा सेल के अंदर ही, और जो उसके बाद जो उसको एनर्जी रिलीज़ करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, क्योंकि हमको पता है जब भी कोई चीज़ है ना बनती है तो उसके साथ कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ वेस्टफुल प्रोडक्ट बनते हैं। सो जो वेस्ट है उनका एलिमिनेशन होगा, मतलब को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। अब वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ बन रहे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो इस पूरी जो है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और उस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर जाने से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर आने तक जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। Next we have, thus respiration is the breakdown of organic compound into simpler compounds accompanied by the release of energy. तो अगर हम बोले एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में, और उसके साथ साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ब्रेकडाउन भी हो रहा है कंपाउंड्स का और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन इज़ केमिकली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन। अगर आप इसकी एक इक्वेशन बनाना चाहो, केमिकली इसको एक इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट करना चाहो रेस्पिरेशन को, तो उसके लिए हमारे पास दिया है, डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बर्न होके क्या देगा, वेस्ट प्रोडक्ट और एनर्जी देगा। अब ये डाइजेस्टेड फूड का फॉर्मेट क्या हो सकता है, C6H12O6, ग्लूकोज की फॉर्म में, अगर हम एक बार के लिए मान लें हमारा डाइजेस्टेड फूड है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट हो रहा है, तो C6H12O6 है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, और ऑक्सीजन है उसके साथ जो है कंबाइन हो रही है, कंबाइन होके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया यहाँ पे हमारे लिए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी है वो हमारे काम आ जाएगी, और ये दो हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब बोलोगे कि ओनली CO2 निकलता है बॉडी से बाहर, H2O तो हमारी बॉडी में के लिए यूज़फुल है, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे हुआ। तो कभी ध्यान देना, सर्दियों में जब भी आप जो है एक्सहेल करती हो हमारे अब सांस को बाहर निकालती हो, तो भाप जैसा कुछ आपके मुँह से निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वाटर वेपर भी होती है। गर्मियों में पता नहीं चलता, लेकिन सर्दियों में साफ पता चलता है कि हमारी बॉडी से CO2 भी बाहर निकल रहा है और H2O भी बाहर निकल रहा है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग टू स्टेज। अब रेस्पिरेशन है वो उसकी भी टू स्टेजेस होती है, मतलब दो पार्ट में वो आगे बढ़ेगा। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के एकदम अपोजिट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सिंपल जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में ब्रेकडाउन हो रहा है। इन रेस्पिरेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। रेस्पिरेशन के अंदर फूड है वो सिंपल कंपोनेंट्स में टूट जाता है, जबकि ऑन द अदर हैंड फूड इज सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स इन सो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं, और जो है हमारा जो भी बन रहा था प्रोडक्ट बन रहा था, फूड प्रोडक्ट बन रहा था लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो बनता है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एकदम एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं।
नेक्स्ट वी हैव ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो अब बोलोगे कि जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, हमने बचपन में यही पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन है वो उसमें ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. सो ब्रीदिंग है दो तरह की हो गई, सॉरी रेस्पिरेशन है दो तरह का हो गया. फर्स्ट इज़ ब्रीदिंग, जो जिसको क्या हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन हमने अभी पढ़ा था, रेस्पिरेशन टू स्टेज में होता है. तो फर्स्ट स्टेज है हमारी, यहाँ पे हमने देखा था टू स्टेजेस में होता है. तो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी ब्रीदिंग और सेकंड स्टेज को हम बोल सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. सबसे पहले ब्रीदिंग है या फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको बोल रहे हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एनवायरमेंटल एंड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज. सो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का हमारी एनवायरमेंट में और हमारी बॉडी के बीच में, मतलब एनवायरमेंट से ऑक्सीजन है हम इनटेक कर रहे हैं और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है हम एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं. तो ये जो गैस का एक्सचेंज हुआ है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर एनवायरमेंट में पहुंची, तो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे गैसेस एक्सचेंज, गैसों का अदला बदली. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन इनहेल ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी जीव है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, सांस अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, मतलब बाहर छोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड को. Thus the process of inhalation and exhalation is known as breathing. अभी जो प्रोसेस होती है इनहेल करने की और एक्सहेल करने की, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं. तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का. नेक्स्ट वी हैव सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ऑब्वियसली सेलुलर नेम आया, मतलब कहाँ होता है ये, सेल में होता है, हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं उनमें होता है. This process include exchange of gases between the cells and the blood and the breakdown of food inside the cell. अब इस process के अंदर gases का exchange होता है, किसमें, cells के बीच में और blood के बीच में. लेकिन हमारे जो external था उसमें क्या हो रहा था, हमारे environment और body के बीच में हो रहा था. यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, cells और हमारे blood के बीच में हो रहा है, मतलब हमारे blood से जो oxygen है वो कहाँ जाएगा, हमारे cells में जाएगा. एंड द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन साइड द सेल्स, और इसके बाद जो है सेल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की हेल्प से, और जो हमारी बॉडी में है, जो है सेल्स में है, वो एनर्जी रिलीज होगी. अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैटलाइज बाई एंजाइम्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस. अब जब भी ये सेल के अंदर ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है, सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है, तब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और ये जो बहुत सारे हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं. अब कैटलाइज करना मतलब, मान लो आपका जो है आपने पानी में चीनी घोलनी है, लेकिन नॉर्मल आप चीनी घोलोगे तो घुलेगी नहीं, आपने उसमें स्टर कर दिया, आपने उसको घुमा दिया, जल्दी घुल जाएगी. सो उसको आपने क्या किया, उसको एक स्पीड दे दी. स्पीड कैसे दी, उसको घुमा के दी. कई बार हम क्या करते हैं, उसको उस गर्म करते तो भी जल्दी हो जाता है, तो वो भी हमने क्या की, स्पीड दी. कई बार क्या होता है, हम उसमें अगर कुछ ऐड करें, कुछ एक्सटर्नल ऐड करें, जो एक्चुअली उसका रोल कुछ नहीं होगा उस जो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन उसकी वजह से सिर्फ हमने वो चीज़ ऐड करी, उसकी वजह से जो हमारी जो काम है वो जल्दी हो जाए, तो जो चीज़ हमने ऐड करी उसको हम बोलेंगे कैटलाइज्ड, और जो स्पीड बढ़ाने के लिए हमने इसको किया उसको बोलेंगे कैटलाइजेशन. सो कैटलाइज होता है जो हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन वाली, इसमें जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, उसको कैटलाइज कर देते हैं, मतलब उसको स्पीड दे देते हैं इस केमिकल रिएक्शन को, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को. स्पीड कौन देता है, एंजाइम्स देते हैं, और एंजाइम्स हमको पता है कुछ स्पेसिफिक जूस होते हैं जो हमारी बॉडी में जो है निकलते हैं. अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस यानी कि जो बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इंटरनल रेस्पिरेशन के टाइम पे, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं इस रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज नोन एज सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन. सो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर या फिर इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं. सो यहाँ पे हम, आई होप आपको जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में समझ में आया होगा. नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन आर गिवन इन टेबल. अब हमारे पास टेबल है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 77 पे. सो इस टेबल में हमको पता चलेगा कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. दोनों ही रेस्पिरेशन है, दोनों हमारी बॉडी में हो रहे हैं, लेकिन एक में है सिर्फ हम ब्रीदिंग ले रहे हैं और दूसरे में हमारी जो एनर्जी एक्चुअली रिलीज हो रही है. सो इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं.
डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस आउटसाइड द सेल्स. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है हमारी सेल के बाहर होती है, हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, सेल का कोई रोल नहीं होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में. जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन है उसके अंदर ये जो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल, ये जो प्रोसेस होती है वो सेल्स के अंदर होती है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होती है. सो ये हमारी सेल्स के बाहर होती है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर होती है. नेक्स्ट वी हैव, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैस गैसेस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस. अब जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसके अंदर पहले तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे नोज या फिर माउथ से जो है अंदर जाती है, और बाद में जब बन के जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक्चुअली वो हमारे मुँह से या नोज से एनवायरमेंट के अंदर बाहर आता है, हमारी बॉडी से बाहर आता है. तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है अब बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं. तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ फिजिकली काम हो रहा है. गैसेस आ रही है, एक गैसेस अंदर जा रही है बॉडी की और दूसरी गैस बाहर आ रही है बॉडी से. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन. इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो है इंटरनल रेस्पिरेशन में एक केमिकल रिएक्शन होती है, अभी हमने पढ़ा था एंजाइम्स वगैरह जो है कैटलाइज करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है. सो ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. तो ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन में. नेक्स्ट वी हैव, नो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. जब भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है मतलब सांस हम अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तब कोई भी हमारी एनर्जी नहीं बनेगी, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जबकि उसके लिए एनर्जी हमको नीड होगी, एनर्जी की नीड होगी. नेक्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन में जो क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन में एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इंटरनल रेस्पिरेशन जब भी होता है उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी बनेगी जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ एनर्जी भी बनेगी, एनर्जी भी रिलीज होगी इंटरनल रेस्पिरेशन के टाइम पे. सो यहाँ पे है दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, ये है सेल के बाहर होती है, सेल के अंदर होती है, इसके अंदर ये फिजिकल प्रोसेस होती है जबकि केमिकल प्रोसेस होती है, और ये है इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती जबकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो ये थ्री मेन डिफरेंस है जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बीच में हमको बताया गया है. नेक्स्ट हमारे पास है कंबस्चन एंड रेस्पिरेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपको समझ में आया होगा. सो जस्ट रिवाइज इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.